नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट में ये सवाल पूछते हैं कि सर एक्सेल बेसिक से पढ़ाओ, एक्सेल बेसिक से पढ़ाओ, एक्सेल बेसिक से पढ़ाओ। तो चलिए दोस्तों, एक्सेल बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ आज के लेक्चर में। तो आप बोलोगे एक्सेल बेसिक के तो ऑलरेडी वीडियोस है चैनल पे। जी हाँ है, लेकिन जब भी मैंने वो वीडियो बनाए थे दोस्तों, तब उसका वॉइस इतना प्रॉपर नहीं था, मेरे पास माइक वगैरह नहीं था, फिर भी मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किए थे मोबाइल के माइक से वगैरह, तो वो इतना प्रॉपर नहीं लगता है मुझे। तो मैंने सोचा कि यार एक्सेल के बेसिक के वीडियोज़ री अपलोड करूँ, क्योंकि एडवांस के वीडियोज़ तो मैंने काफ़ी अच्छे से बनाए हैं और वो सभी है चैनल्स पे। तो एडवांस वीडियोज़ मैं री अपलोड नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत सारे एडवांस वीडियोज़ है दोस्तों, लेकिन एक्सेल के कुछ बेसिक वीडियोज़ जो री अपलोड करने की ज़रूरत है वो यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर तो दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो चुका है मेरे कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि जो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ वो है 2013, तो ये एक्सेल भी 2013 है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के अंदर मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक शीट ओपन होता है, यानी कि एक्सेल की फाइल को शीट बोला जाता है, वर्कशीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं आप, वर्कबुक भी बोल सकते हैं, इसके नाम अलग अलग है। वर्कबुक यानी कि बहुत सारी शीट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल की फाइल के अंदर एक शीट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है। आप बहुत सारी शीट भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस शीट के अंदर वर्टिकल लाइंस जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये वर्टिकल लाइंस इसको बोला जाता है कॉलम्स, और जो हॉरिजेंटल लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है रोज। यानी कि वर्टिकल लाइंस में आपको दिख रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आगे जेड तक है दोस्तों, जेड तक ही नहीं है, आगे भी है, ये ए हो जाएगा। जेड होने के बाद यहाँ पे ए ए ए बी ए सी ए डी ए डी भी है दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, ए डी ए डी कॉलम का नाम है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे ही एक्स एफ डी तक टोटल कॉलम्स है, यानी कि टोटल कॉलम्स है 16,384 एक्स एफ डी लास्ट कॉलम है यहाँ पे। तो 16,384 कॉलम्स आपको मतलब वर्टिकल लाइंस यहाँ पे एक्सेल में मिलने वाली दोस्तों। तो आगे मैं आपको बताऊँ कि रोज़ कितने हैं। रोज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने ही नहीं है, बहुत सारे रोज़ हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और रो आएंगे, लेकिन टोटल रोज़ कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, 10,48,576, इतने सारे रोज़ और इतने सारे कॉलम है। तो रोज़ और कॉलम्स कितने हैं ये तो आपको समझ में आया होगा। और रोज़ और कॉलम के इंटरसेक्शन, यानी ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये बॉक्स होता है सेल, इसे सेल बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे सेल बोलते हैं, और ये आपको ज़रूरी है जानना कि सेल के अंदर हम लोग कंटेंट टाइप करते हैं, फॉर्मूला भी टाइप कर सकते हैं। तो सेल काफ़ी कमाल की चीज़ है यहाँ पर, और इसे और इसी के अंदर हमें बहुत कुछ काम करना है। सेल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूला बार, इसे बोलते हैं, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है मैं हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ, इसे फॉर्मूला बार बोलते हैं। फॉर्मूला बार, इट विल हेल्प टू शो योर फॉर्मूला, इफ देर इज अ कंटेंट इन योर सेल इट विल शो कंटेंट, इफ देर इज अ फॉर्मूला इट विल शो फॉर्मूला। आसान भाषा में बता दूँ कि अगर आपके सेल में यहाँ पे कंटेंट टाइप करते, सपोज मैंने यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया, तो नंबर ऊपर फॉर्मूला बार में एज इट इज दिखाई देंगे। अगर आप सेल में टेक्स्ट टाइप करते तो टेक्स्ट दिखाई देगा फॉर्मूला बार में, लेकिन अगर आप सेल में जैसे इज इक्वल टू 11 × 55 ये अगर आप टाइप करते हो यहाँ पे, तो ऊपर फॉर्मूला बार में 55 नहीं दिखा रहा है, सेल में 55 दिखा रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाएगा दोस्तों। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ फॉर्मूला बार, इट विल शो द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ योर सेल एंड यू कैन एडिट दैट फॉर्मूला ऑल्सो बाई क्लिकिंग ऑन फॉर्मूला बार। तो ये फॉर्मूला बार का यूज होता है, और फॉर्मूला बार से काफ़ी कुछ काम होता है, लेकिन फॉर्मूला बार जान लो इसका नाम होता है दोस्तों। फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे सेल का ये बॉक्स आ रहा है, और इसको सेल, जो सेल आप सिलेक्ट करते हो उसका नाम आता है, उसको नेम बॉक्स बोलते हैं, और ये नेम असाइन करने के लिए भी यूज़ होता है यहाँ पे, और आपको सेल फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है। मतलब कोई भी सेल पे आपको डायरेक्टली जंप करना है, जैसे मुझे A1 पे जंप करना है, A1 लिखूंगा एंटर, तो A1 पे कर्सर आ जाएगा। और इसका बहुत कुछ काम है, आगे हम चल के सीखेंगे, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन में इतना ही बताना चाहूँगा दोस्तों। इसके ऊपर जाएंगे तो ये जो रिबन, ये जो मतलब ऑप्शंस दिखाई दे रही है, सारे रिबन्स है, या फिर जो हॉरिजेंटल आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा रिबन्स है दोस्तों। और रिबन्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, और रिबन्स इज डिवाइडेड इनटू 7 to 8 टैब, जनरली 7 टैब रहते हैं, लेकिन डेवलपर टैब या कोई और टैब हम ऑन करते हैं, फॉर्मेट टैब वगैरह आता है, तो यहाँ पे 8 9 टैब भी बन जाते हैं। तो रिबन ये डिवाइडेड होता है 7 to 8 टैब के अंदर दोस्तों, इसे रिबन कहा जाता है। रिबन के ऊपर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है फाइल, और फाइल के ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जहाँ से क्विकली एक्सेस करने के लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे सेव, सेव एज, अंडू, रीडू वगैरह वगैरह वगैरह। और फाइल के अंदर आपको सेव, प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल है, जो आपको फाइल को सेव करना है तो वहाँ पे जाना है, ओपन करना है, न्यू करना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो टैब, फाइल एक मेनू की तरह होता है, फिर क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, साथ में फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, सेल,
शीट, रोज एंड कॉलम्स, इन सब की चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे बताया। एक्सेल में राइट कॉर्नर में मैं जाऊँगा बॉटम के अंदर, यहाँ पे आपको जूमिंग लेवल दिखाई दे रहा है जिससे आप एक्सेल में जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल की शीट में जूमिंग बढ़ाना है तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, अल्ट वी जेड प्रेस करेंगे तो एक जूमिंग विंडो आ जाता है दोस्तों, और इसमें आप जूमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं नेविगेशन की से, यानी कीबोर्ड के अप एंड डाउन एरो से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप सिलेक्ट करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से एक्सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट है। एक्सेल बेसिक में पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया, तो चलिए अगले वीडियो में मैं मिलूंगा, इसमें भी बेसिक ही इंट्रोडक्शन रहेगा। एक्सेल में फॉर्मूलाज कैसे बिल्ड होता है, एक्सेल दरअसल काम कैसे करता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। और ये बेसिक में री अपलोड करने का रीज़न यही है कि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि थोड़ा सा हमें बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। जो एडवांस जानते हैं वो लोग ये वीडियो ना नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक थोड़ा सा एनिमेटेड वे से प्रेजेंट करने की मैंने कोशिश की है। एक नया वीडियो एडिटिंग का यहाँ पे टास्क मैंने लाया है दोस्तों, इसलिए मैं इसे री अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो आप करेंगे लाइक बटन पर क्लिक दोस्तों, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए कहूंगा सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।